यार ये पावर और टॉक में फर्क ही नहीं समझ आता, एक बार ही गूगल करके देखता हूँ। पावर वर्सेस टॉर्क, गूगल क्या कहता है? टॉर्क इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, पावर इज द रेट ऑफ कंप्लीटिंग वर्क। यार ये तो सारे ही कहते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? सर ने एक फॉर्मूला भी बताया था, पावर टॉर्क फॉर्मूला। हाँ, यही फॉर्मूला था, HP इज इक्वल टॉर्क इनटू RPM। बट अब ये कर्व क्या है, लाइंस ऐसे क्यों जा रही हैं? पता नहीं यार, समझ ही नहीं आता। क्या आप भी टॉर्क और पावर को लेके कंफ्यूज हैं? तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक हम ये जानेंगे कि क्यों कार मैन्युफैक्चरर्स टॉर्क और पावर की अलग अलग फिगर्स हमें शो करते हैं, और ये भी जानेंगे कि इन फिगर्स के कम या ज़्यादा होने से कार की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। इस चैनल पे मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं और आपको टेक्नोलॉजी ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे मूव करें, मैं यहाँ पे एक बेसिक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। इंजन और व्हील्स दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, प्लीज़ इन्हें मिक्स मत कीजिएगा। इंजन अपने रेवोल्यूशंस जनरेट करता है और व्हील अपने रेवोल्यूशंस जनरेट करता है। ये अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में बैठता है एक गियर बॉक्स, और यही डिसाइड करता है कि व्हील्स कितना तेज़ी से रोटेट करेंगे। शायद आप लोगों को डाउट होगा कि RPM क्या होता है, तो RPM कुछ नहीं है, RPM की फुल फॉर्म में ही उसकी डेफिनेशन है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में बॉडी कितने चक्कर लगा सकती है उसको रेवोल्यूशंस पर मिनट या RPM कहा जाता है। और दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि गाड़ी में हमें एक स्पीडोमीटर दिखता है और एक टैकोमीटर दिखता है। ये टैकोमीटर जो फिगर्स दिखाता है ये RPM की ही फिगर्स होती हैं, लेकिन ये RPM सिर्फ इंजन के हैं, व्हील्स के RPM नहीं है। और अगर हम जानना चाहते हैं कि गाड़ी किस स्पीड पे मूव कर रही है, यानी कि व्हील्स कितनी तेज़ी से जो है सफ़र तय कर रहे हैं, तो उसके लिए हम स्पीडोमीटर को देखते हैं। तो अब देखते हैं टॉर्क क्या है। टॉर्क कुछ नहीं है, टॉर्क एक ऐसी फोर्स है जो रोटेशन पैदा कर सके। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टायर है, इस टायर पे नट कसा जा रहा है। उस नट को कसने के लिए ये हाथ नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स एक डिस्टेंस पे लग रही है। इसके फॉर्मूले को देखें तो वो भी ऐसा ही कुछ कहता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इज टॉर्क। तो अगर हम इस हाथ की फोर्स सेम भी रखें और इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर दें, तब भी सेम ही टॉर्क से इस नट को कसा जा सकता है। इसको हम कहते हैं लेवरेज इफेक्ट। और अगर हम इंजन की बात करें तो पिस्टन के हेड पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट होती है। ये फोर्स एक डिस्टेंस पे लगती है, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि हमें टॉर्क समझ आ चुका है, तो पावर को समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि टॉर्क में टाइम फैक्टर को ऐड कर दें तो पावर समझ आ जाती है। टॉर्क तो सिर्फ इतना बता रहा था कि वो नट को कसने के लिए कितना जोर लगाया जा रहा है, लेकिन वो जोर कितनी जल्दी लगा दिया जाएगा और नट कितनी जल्दी कसा जाएगा, ये है पावर। तो फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही कहता है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय द रोटेशनल स्पीड। यानी कि आप कितनी जल्दी उस नट को कस रहे हैं, ये पावर की आपको फिगर दे देगा। सबसे पहले इस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टिपिकल टॉर्क वर्सेस पावर कर्व है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इंजन और व्हील्स अलग अलग चीज़ें हैं, और यहाँ हम सिर्फ इंजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें, नीचे की तरफ है RPMs, लेफ्ट साइड है टॉर्क, राइट साइड है पावर, और ये है टॉर्क का कर्व। जैसा कि हम इसमें से देख पा रहे हैं कि टॉर्क शुरू में तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर RPM के बाद वो डिक्रीज कर रहा है। ऐसा ही यहाँ पे नीचे लिखा भी है, ये वो RPMs हैं जिस पर टॉर्क अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं कि शुरुआत में टॉर्क कम क्यों होता है। दोस्तों, ये कम इसलिए होता है क्योंकि इंजन दो चीज़ों पे काम करता है, एयर और फ्यूल। इस RPM पे, जो कि मिनिमम RPM है, इस पे इंजन इतनी ज़्यादा एयर ड्रॉ ही नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये टॉर्क की वैल्यू थोड़ी कम प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे हम RPM इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे पिस्टन में बहुत ही बढ़िया एयर और फ्यूल का मिक्सचर जनरेट होता है, जो कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। अब जानने वाली बात यह है कि
कुछ आरपीएम के बाद ये गिरने क्यों लग जाता है? ये गिरता इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से टॉर्क गिरने लग जाता है। तो अब तक हमें ये समझ आ गया कि टॉर्क स्टेबल नहीं रहता, जैसे जैसे आरपीएम बढ़ते हैं ये शुरू में तो इंक्रीज करता है पर लास्ट में ये डिक्रीज करता है। अब पावर को समझना बहुत ईजी है क्योंकि पावर क्या था, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड। तो टॉर्क यहाँ पे इतना है और आरपीएम इतने हैं। आरपीएम बहुत कम होने की वजह से शुरू में पावर बहुत कम मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई होते होते ये यहाँ तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी देखने वाली बात यह है कि टॉर्क गिरने लग गया है फिर भी पावर बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि टॉर्क इतनी जल्दी नहीं गिर रहा जितनी जल्दी आरपीएम बढ़ रहे हैं, इसलिए पावर बढ़ने लग जाता है और ये अपने पीक को अचीव कर लेता है, जिसको बोलते हैं एनपी मैक्स, यानी कि ऐसी आरपीएम जिस पे पावर अपनी पीक पर है, पी मैक्स। अब पावर भी लास्ट में गिरती है, उसकी वजह ये है कि हाई एंड जो हमने इसमें जोन दिखाया इसमें आरपीएम इतनी जल्दी डिक्रीज नहीं कर रहे हैं जितना जल्दी टॉर्क गिर रहा है, इसलिए पावर भी लास्ट में गिरना लग जाता है। अब बात करते हैं लो एंड जोन की। लो एंड जोन वो जोन है अगर आप एन मिन और एन टी मैक्स, यानी कि मिनिमम आरपीएम और वो आरपीएम जिस पे टॉर्क मैक्सिमम है, अगर आप इस रेंज के बीच में गाड़ी चलाते हैं तो ये अनस्टेबल जोन होता है। क्यों? क्योंकि आप इस आरपीएम पे गियर चेंज करेंगे और आपके आरपीएम गिरेंगे, आरपीएम गिरने के साथ साथ टॉर्क भी गिर जाएगा और हो सकता है इसके नीचे अगर आप गिरें तो गाड़ी बंद भी हो सकती है, इसलिए अनस्टेबल जोन है। पावर बैंड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा जोन है अगर हम परफॉर्मेंस को ओरिएंट कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आप इस आरपीएम पे चल रहे हैं, या सबसे अच्छा केस है आप एनपी मैक्स यानी कि ऐसे आरपीएम पे चल रहे हैं जिस पे पावर अपने पीक पर है और आप गियर चेंज करते हैं, गियर चेंज करने पर आपके आरपीएम रिड्यूस करेंगे। जैसे ही आपके आरपीएम रिड्यूस करेंगे तो आपका पावर तो गिरेगा पर टॉर्क इंक्रीज करेगा। अब टॉर्क इंक्रीज कर रहा है तो धीरे धीरे आपकी गाड़ी जल्दी स्पीड पकड़ पाएगी और पावर फिर से इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए ये सबसे अच्छा जोन और स्टेबल जोन है। हाई एंड की बात करें तो इसमें भी जैसे ही आप गियर चेंज करेंगे यहाँ पे तो आरपीएम रिड्यूस करेंगे तो आपका पावर जो है मैक्सिमम की तरफ आ जाएगा और टॉर्क भी इंक्रीज करेगा। तो ये वो जोन है जिसमें आप पीक परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम तीन इंजन्स को कंपेयर करके देखते हैं। अगर आप इन तीन इंजन्स में एक सिमिलैरिटी देखेंगे तो इन तीनों के जो पावर फिगर्स हैं वो पीक टाइम पे बिल्कुल सेम है। 6000 आरपीएम पे इंजन 1 भी 300 के आसपास पावर जनरेट कर रहा है, 6000 पे ये भी 300 जनरेट कर रहा है और 6000 पे ये भी लगभग 300 ही जनरेट कर रहा है, लेकिन तीनों के टॉर्क कर्व्स अलग अलग हैं। इसका अलग है, इसका अलग है और इंजन 3 का भी अलग है। तो अलग अलग टॉर्क होने के बावजूद भी हमें पीक पावर सेम मिल पा रही है, उसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि 6000 आरपीएम पे इतना टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय इतना आरपीएम इतना पावर देता है और इस पे भी इतना टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय इतना आरपीएम इतना ही पावर देता है, यानी कि तीनों का 6000 आरपीएम पे टॉर्क फिगर भी सेम ही होगा, तभी वो सेम पावर दे पाएंगे। लेकिन ये इंजन 1 का जो टॉर्क है वो बहुत ही लिनियरली डिलीवर किया गया है, इसका एक पीक बनता है और ये बहुत ही कम टॉर्क से शुरू होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है और फिर गिर जाता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पीक फिगर्स जो हैं वो अलग चीज़ें बताती हैं और थ्रू आउट हमारे कर्व में हमें क्या मिल रहा है वो हमें टॉर्क से पता लगता है। जैसे कि इंजन 1 ये बता पा रहा है कि पीक टॉर्क इतना ज़्यादा तो नहीं है जितना इंजन 2 का है, लेकिन ये टॉर्क हमें बहुत ही कम आरपीएम पे मिलना शुरू हो जाता है और एक रेंज ऑफ आरपीएम तक मिलता रहता है। तो ये इंजन उनके लिए है जो कि कम पुश चाहते हैं लेकिन वो पुश लगातार हर आरपीएम पे चाहते हैं। इंजन 2 की बात करें तो बहुत ही कम आरपीएम पे ये पीक टॉर्क जनरेट कर देता है और इसकी वजह से ये इंजन उन लोगों की चॉइस बनेगा जो कि इनिशियली गाड़ी में पुश चाहते हैं। और इंजन 3 वो इंजन है जो कि हमें इस आरपीएम के आसपास लगभग 4500 आरपीएम के आसपास एक पीक टॉर्क की फिगर देता है, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो फ्यूल एफिशिएंसी ओरिएंटेड है, यानी कि वो 2 से 2500 आरपीएम पे गाड़ी चलाते रहेंगे हमेशा और कम टॉर्क और कम पावर में भी अपना गुजारा कर लेंगे, कभी भी वो इस टॉर्क और पावर तक नहीं जाना चाहते। एक और कंपैरिजन देखते हैं।
इस कंपैरिजन में भी अगर आप पावर को देखें तो लगभग सेम पीक पावर जनरेट हो रही है, लेकिन ये पावर 4000 से लेकर 6000 तक 300 रह पा रही है, जबकि इसमें 6000 के आसपास ही पावर मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। ये वजह भी टॉर्क की वजह से ही है। इसका टॉर्क यहाँ पे पीक अचीव करता है और यहाँ आते आते गिर जाता है, जबकि इसकी पीक यहाँ तक रहती है, इस वजह से पावर भी यहाँ पे लिनियर रह पाती है। दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि हम गाड़ियों में जो फिगर देखते हैं वो देखते हैं ये और ये, यानी कि गाड़ी मैक्सिमम टॉर्क कितना दे पा रही है, मैक्सिमम पावर कितना दे पा रही है। जैसे कि इसमें भी देख रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क है और ये मैक्सिमम पावर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मली हम जो गाड़ी चलाते हैं वो हम इंडियंस होने के नाते एक फ्यूल एफिशिएंसी रेंज में होकर गाड़ी चलाते हैं और हम अपना गियर 2000 आरपीएम के आसपास चेंज कर लेते हैं। अब अगर इंजन वन की बात करें तो 2000 आरपीएम पे हमें इतना टॉर्क मिल रहा है, जबकि इसकी बात करें तो हमें 2000 पे इतना टॉर्क मिल रहा है। टॉर्क में बहुत फ़र्क है, कहाँ ये 250 दे रहा है और कहाँ ये 400 के आसपास दे रहा है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें वो इंजन कौन सा चाहिए जो कम से कम आरपीएम पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क दे सके, क्योंकि जैसे ही हम आरपीएम्स को इनक्रीज़ करेंगे फ्यूल की खपत ज़्यादा हो जाएगी और गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट नहीं रहेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप गाड़ी को भगाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली लगभग हर इंजन एक अच्छा पीक पावर और पीक टॉर्क जनरेट करता है और आपको उन्हीं फिगर्स को देख कर गाड़ी लेनी चाहिए। यानी कि एक मर्सिडीज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ भाग सकती है एक मारुति के कंपैरिजन में, डेफिनेटली। लेकिन अगर हम बात करें कम से कम आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क की, जो वैल्यू कभी भी कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करती, तो ये हम इन कर्व्स को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हमें इस आरपीएम पे कितनी पीक टॉर्क और पीक पावर मिल रही है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा नेचर ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि इंजन में टॉर्क को वेरी करना ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम इंजन को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी हम ट्यूनिंग करते हैं, यानी कि वो कितना फ्यूल ले, कब ले, कैसे ले, इस सब से हम जो है ये देख सकते हैं कि टॉर्क का कर्व कैसा होगा। और डेफिनेटली टॉर्क का कर्व जैसा होगा मल्टीप्लाइड बाय द आरपीएम पावर टॉर्क जनरेट हो जाएगा। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, तो क्विकली कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या देखा। तो टॉर्क सिंपली एक फोर्स है जो कि इंजन का आउटपुट डिसाइड करती है, बट ये फोर्स और ये आउटपुट किस आरपीएम पे मिल रही है ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि पावर क्या होगी। और चाहे आपने गाड़ी को एक्सेलरेट करना हो, चाहे उसकी टॉप स्पीड देखनी हो, हमें पावर की फिगर्स ही काम आती हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक और टिप भी दे देता हूँ, गाड़ी का टॉर्क हम कैलकुलेट करते हैं डायनमोमीटर से, या इसको डायनो भी कहते हैं। आजकल के कुछ एडवांस डायनमोमीटर्स आरपीएम को भी साथ ही साथ मॉनिटर करते हैं, जिसकी वजह से वो ये बता पाते हैं कि गाड़ी की पावर क्या है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बाय कमेंटिंग डाउन, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।